नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मिमो चक्रवर्ती जो कि मिथुंदा लीजेंडरी एक्टर मिथुंदा के बेटे हैं, उन्होंने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस प्रकार जब उनकी डेब्यू फिल्म जिम्मी रिलीज हुई थी तो उनके माता पिता टेंशन में आ गए थे और बहुत ज़्यादा एक जब वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गई थी, फ्लॉप हो गई थी, तो सभी टेंशन में आ गए थे, सभी काफ़ी दुखी हो गए थे। इस बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा दुखी इस बात से हुए कि कई क्रिटिक्स ने बहुत ही गलत कमेंट अपने रिव्यूज में दिए थे। एक बड़े क्रिटिक्स ने यह कहा कि मिमो चक्रवर्ती तो जूनियर आर्टिस्ट बनने के काबिल भी नहीं है, उनको किस प्रकार फिल्में मिल जाती है, वे अपने माता पिता का नाम खराब कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, यहाँ तक कि उन्होंने उनकी माँ योगिता बाली पर भी कमेंट किए। उनकी माँ योगिता बाली को बाली के बारे में यह कहा गया कि उनमें योगिता बाली में योग्यता नहीं थी, उनकी योग्यता में कमी थी जिसके कारण मिमो चक्रवर्ती में योग्यता नहीं आ पाई, ऐसा कुछ कमेंट उन्होंने किया। मुझे ठीक से याद नहीं, शायद इस तरीके से कुछ कहा था। ऐसे मिमो चक्रवर्ती बहुत आहत हुए थे, वो काफ़ी मतलब एक दुख पहुंचा था उनको कि यार मेरी माँ पे आप पर्सनली कमेंट क्यों करते हो, अगर एक्टिंग में मेरी कमी है तो आप मेरे ऊपर कमेंट कीजिए, मेरे माता पिता पे कमेंट करना तो उचित नहीं है ना। उनका कहना सही भी है दोस्तों, जब कोई कलाकार चलता है बॉलीवुड में तो सभी मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं और जब कोई फ्लॉप हो जाता है तो सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। कहते हैं ना कि उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं मतलब कि तारीफ करना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, पूजा करना चाहता है। तो इस तरह की बातें बॉलीवुड में भी है। साथ ही दोस्तों, मिमो चक्रवर्ती ने कई फिल्में उसके बाद में भी की थी। हॉन्टेड 3D में उनके अभिनय को सराहा गया था। लूट फिल्म उन्होंने की थी, मैं मुलायम सिंह यादव ये फिल्म उन्होंने की थी। अभी हाल ही में रोस उन्होंने की है और जोगीरा सारारारा ये फिल्म उन्होंने की है। लेकिन दोस्तों, अभी तक उनकी एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई है। हालांकि जोगीरा सारारारा में उनके अभिनय की तारीफ हुई है, रोस में भी उनका अभिनय काफ़ी अच्छा रहा है, फिल्म भी काफ़ी अच्छी थी रोज, लेकिन फिल्म को स्क्रीन से नहीं मिले तो फिल्म कहाँ से चलती। बाकी फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है, मुझे तो उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी, दमदार लगी है। तो उनको अभी प्रूव करना होगा दोस्तों, प्रूव करना होगा उनको। जिस प्रकार से मिथुंदा एक बहुत ही ज़बरदस्त एक लीजेंडरी एक्टर है, आज भी मतलब उनका नाम है। राष्ट्रीय पुरस्कार अपनी पहली फिल्म के लिए मिर्गिया के लिए उन्होंने जीता था। तो मिमो चक्रवर्ती को भी बहुत लंबा सफर तय करना है दोस्तों, और उनको एक अच्छे बैनर की और एक बड़ी फिल्म की दरकरार है, तो वे अपने एक्टिंग स्किल को शो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मिथुंदा के एक और पुत्र जिनका नाम नामसी चक्रवर्ती है, उनकी बैड बॉय आई थी, राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की थी, वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में सफल नहीं हो पाई थी, फ्लॉप हो गई थी। तो उनके लिए भी अभी पूरा रास्ता खुला है, उन्हें भी काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में साइन करके अपनी एक्टिंग का जोर दिखाना होगा। हालांकि उनके अभिनय की ठीक ठाक प्रशंसा हुई थी, लेकिन फिल्म को इसको भी स्क्रीन नहीं मिले तो ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई थी। देखते हैं मिमो चक्रवर्ती और नामसी चक्रवर्ती क्या फिर से बॉलीवुड में एक जबरदस्त तरीके से कंपेयर करेंगे और अपने पिता मिथुन चक्रवर्ती का नाम रोशन करेंगे, क्या उन्हें भी कोई बॉलीवुड का बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्म में मौका देगा एक जबरदस्त रोल के साथ। देखते हैं आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस बारे में, जो भी आपकी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोलना।